नमस्कार आईना कार्यक्रम को आपमनकु स्वागत करछि जयश्री शहर टिकटिक खबर घटना दुर्घटना राजनीति श्रीमंदिर नीतिकांति एवं पाणिपक विषय संपूर्ण खबर गुरे आमर प्रस्तुति विस्तृत खबर पूर्व चलत नजर पकाइबा आजर मुख्य खबर उपरे मुख्यांशारे श्रीमंदिरे महाप्रभुंक दर्शन पाई बढ़ुची उत्कंठा जानुरी 21 तारिख ठारु सर्वसाधारण दर्शन पाई व्यापक व्यवस्था जिला प्रशासन मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन रो मिलित बैठक बात्या फनी रे ध्वस्त विध्वस्त राजभवन रो हेबो आधुनिकीकरण रविवार नूतन प्रकल्प रो भित्ति प्रस्तर स्थापन कले राज्यपाल जिला आरक्षी अधीक्षकों माराथन कार्यानुष्ठान विभिन्न घटनारे जड़े एएसआई एवं एसआई निलंबित एथिस जानिबा अन्यन्य खबर एकोईस तारीख में महाप्रभु दर्शन निमते जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रशासन मिलित सहयोग में एक बैठक अनुष्ठित राज्य एवं राज्य बाहर भक्त महाप्रभु दर्शन में सीमित रही 9 मास धरी कोविड कटकणा प्रभु दर्शन में प्रतबंधक सृष्टि करिथिला जनवरी 3 तारीख प्रभु दर्शन पूरीवासी वंचित होती सारा दर्शन पर उत्कंठा भरी रही जनवरी 21 तारीख में यह प्रतीक्षार अंत घटव आज ही हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस और मेडिकल टेम्पल अलग अलग ऑफिशियल माने और जगन्नाथ टेम्पल पुलिस हमारे सब ऑफिशियल मानकर संगे हमें मीटिंग करूँ जेहेतु 25 जनवरी हमें टेम्पल खोलवाई जाऊँ विदाउट कोविड रिपोर्ट तापाई जहाँ भी प्लानिंग करवा कथा हमें पूरा सब डिटेल डिस्कशन कलु अराउंड 30,000 लोगों को हमें प्लानिंग करूँ अधिका जदि हेले हमें तापाई कंटिंजेंसी प्लान भी गोटे रेडी करूँ बेसिकली हमारा जो लास्ट मीटिंग रे जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे सेठी जो जो निष्पत्ति है कि नंबर 1 वर्तमान कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक नुहे नंबर 2 हमें संडे दिन टेम्पल को बंद रखुचु नंबर 3 टेम्पल रो ओपनिंग टाइम वर्तमान 6 to 7 PM पूरी लोकल लोकों रोच और 7 AM ऑनवर्ड्स अन्य पब्लिक रोच और नंबर 4 हमें वल्नरेबल लोग मैंने ओल्ड एज लोकों गोटे अलग सिस्टम डेवलप करुचु से मैंने अलग क्यू रे आसी करके आराम से दर्शन करेंगे यही सब जिनस करने जो पब्लिक एम्यूनिटीज जो आउरी एनहांसमेंट दरकार जमी ड्रिंकिंग वाटर टॉयलेट और कवर शेड यही सब भी हमें डिटेल डिस्कशन आज कर बर्तमान रहो बट जेहेतु से आगु कोविड नेगेटिव रिपोर्ट टेस्ट होता मैंने देखा जाऊला बर्तमान से दरकार नहीं बट स्टिल हमें जेहेतु कोविड समय रहु कोविड प्रोटोकॉल हमें फॉलो करुचु से स्कैनिंग लोकंर मास्क चेकिंग और सानिटाइजर यूज हमें व्यवस्था करूँ लोक मैंने सानिटाइजर लगे पारे आधार कार्ड दरकार नहीं आम लोक जेहेतु 6 to 7 AM हमें पूरी लोकल लोकों रखुचु तांकर आइडेंटिफिकेशन देखी करके 6 to 7 AM छड़ा जीवो बाकी समय रे कोविड रा थर्मल स्कैनिंग करा जीवो वर्तमान हमें केवल सिंह द्वार माने मेन जो टेम्पल एंट्री अच्छी सेटा को ही अलाउ करो तांकर माने लोकल एड्रेस प्रूफ दिखाई परिवे आधार कार्ड दिखाई परिवे कौन सी प्रकार रा एड्रेस प्रूफ से माने दिखाई करके 6 to 7 AM एक्सक्लूस 30,000 ऊपर हमें गुटे कंटिंजेंसी प्लान करूछु बट हमें एक्सपेक्ट करूछु 30,000 भीतर ही रहबे जेतु मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर्तमान 100% ऑपरेशनल नहीं ता छड़ा जे हमें सबुदिन समस्त खोलुचु टेम्पल एक्सेप्ट संडे बट स्टिल हमें जदि 30,000 ऊपर हेले कोटी पार्किंग करा जीवो कोट एक्स्ट्रा पुलिस मोबिलाइजेशन और अलग मैन पावर मोबिलाइजेशन भी हमें प्लानिंग करके रखुचु बैरिकेडिंग हमारे टेम्पल रू आरंभ करके हमें मार्केट छक पर्यंत फर्स्ट 2-3 दिन देखा जनवरी 21 तारीख सहरवासी भोर 6 एक घंटार स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था करने को प्रशासन घोषणा कर दर्शन कोविड नेगेटिव प्रमाणपत्र बाध्यतामूलक किंतु कोविड गाइडलाइन अन्य समस्त कटकणा को मानि पुरीवासी दर्शन को जिबे ब्यारिकेड सिंहद्वार दे श्रीमंदिर को प्रवेश करिबे एही समय रे बाहर दर्शनार्थी को श्रीमंदिर प्रवेश अनुमति मिलिब नाही सकाळ 7 परे मध्य सहरवासी गहळी भितरे प्रवेश करी अन्य दर्शनार्थी भली कोविड कटकणा माने श्रीमंदिर दर्शन करिपारिबे सकाळ 7 परठारु समस्त भक्त सिंहद्वार दे
रत्न सिंहासनरे महाप्रभुंको दर्शन करिबे। देश विदेशर 30,000 भक्तंक दैनिक दर्शन पाई प्रशासन रूपरेख प्रस्तुत करुछे। धाड़ी दर्शन बलबत्तर रहिबो। मरीचिकोट छकरु भक्तमाने कोविड गाइडलाइन पालन करी प्रवेश करिबे। पुरी समेत राज्य देश विदेशर लोकंक पाई श्रीमंदिर दर्शन खोलिबो। सेवायत परिवारंक दर्शन परे गत 26 तारिखरु आइन होइथिबा सहरवासीक दर्शन व्यवस्थारे मोट 79,000 भक्त प्रभुंक दर्शन करिथिले। दिनकु पाखापाखि 10,000 भक्त दर्शन करिथिले। एबे 7 दिनर अभिज्ञतारु देखा देथिला ट्राफिकर अव्यवस्था। तेणुकरी ट्राफिक कम सह पार्किंग व्यवस्था करिबा प्रशासन पाई एक आह्वान होइ जाइछे। हमरा अपन जानि जंती के 21 तारीख रे सर्टिफिकेट दरकार पड़िबो नै। हमें आशा करछु के जो पुरी वासी जो ताकर भाई अलगा टाइम रखा है से माने हमें रिक्वेस्ट करछु के आगरु जेमती हमको सपोर्ट कर चंती सेमती से माने से टाइम भीतर आसीबे ताके से माने भले भांति दर्शन करी पारिबे। तापर हमें जो हमरा आउटसाइडर जो पुरी चंती तापाई हमें स्पेशल व्यवस्था करा है हमरा पखापाखी 15 प्लेटून दरकार पड़ला तो और फोर्स हमें डिप्लॉय करिबो। हमरा मेन एथि रहिबो के जो पब्लिक बाहर रो आसीबो बहुत एक्सपेक्टेशंस नै कि आसीबो के बहुत टाइम परे मंदिर रा ओपनिंग होबो तापई हमरा ऑलमोस्ट ऑल ऑफिसर जो हमरा मंदिर ड्यूटी रे छंती सबु डिप्लॉयड रहिबे। हमें इंश्योर करिबो के कोविड गाइडलाइन रा भी सबु माने फॉलो होबो और पुलिस 24/7 राति 2टा रु हमरा मंदिर ओपनिंग होबो मॉर्निंग टाइम रे लेकिन हमरा ड्यूटी राति 2टा 3टा रु हमरा लागि जबो। ट्रैफिक रा अपन बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट उठाइले नी हमें को फर्स्ट बुझिबा को पड़िबो के ट्रैफिक रा रीजन कोन। ट्रैफिक रा रीजन हमको पार्किंग प्लेस पार्किंग स्पेस हमें को खोजिबा पड़िबो। हमें पाखरे पार्किंग स्पेस अपन जानि जंती लिमिटेड पार्किंग स्पेस अछि। हमें पाखरे जगन्नाथ बल्लभ पार्किंग स्पेस अछि यात्रिका श्रद्धापल्ली अछि पार्किंग स्पेस गोटे पार्किंग स्पेस जते बे फिल होउछि हमें सेकंड पार्किंग स्पेस को पड़ुछु। तो ट्रैफिक व्यवस्था हमरा ट्रैफिक स्पेशली पाखा पाखी 70 पुलिस पर्सोनल ट्रैफिक को केमती से माने मैनेज करिवे तापाई डिप्लॉयड छंती डीएसपी सिटी निजे देखु छंती और हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपन जानि छंती आउटस्टैंडिंग ऑफिसर छंती। ता परे भी अगर ट्रैफिक रा व्यवस्था होची तो मु अपन समस्त को रिक्वेस्ट करिवी के ए जस्ट पुलिस प्रॉब्लम सॉल्व होई पारिबो नहीं। एटा हमको पार्किंग रा देखिवार अछि पब्लिक को ट्रैफिक रा कानून नियम पालन करिवार अछि। हम को जड़े दे जाउ छी कि हमको अवगत ताकि के दर्शन को सुजोग देबे प्रभु आ जे पेरोडा देबे हमको आसिया पाइ। জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাস চলিত মাস 18 ফেব্রুয়ারি 17 তারিখ পর্যন্ত জেলায় পালন করা হবে। এই সময় সচেতনমূলক কার্যক্রম আয়োজন করা হবে। জেলাপাল সমর্থ বর্মাক অধ্যক্ষতায় শনিবার প্রস্তুতি বৈঠক স্বতন্ত্র সর্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই। 18 তারিখ সকাল 8টার গুন্ডিচা মন্দির ঠার সাইকেল শোভাযাত্রা বাহারি ভিআইপি রোড দিয়ে সমুদ্রকূল দিগবারিণী ছকরে পৌঁছব। এসহ সড়ক সুরক্ষা সচেতনতা রথ জেলাপাল উদ্ঘাটন করা কার্যক্রম রয়েছে। ব্লক স্তরে সাইকেল শোভাযাত্রা আয়োজন পাই বিডিও মানুষ নির্দেশ দিয়া যাই। 19 তারিখ দিন ঘরোই বস মালিক সংঘ পক্ষ গাড়ি চালকঙ্ পাই চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হবে। 21-23 তারিখ পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিবহন কার্যালয়ে সকাল 8টার অপরাহ্ন 5টা পর্যন্ত সড়ক সুরক্ষা সম্পর্কে পেন্টিং প্রতিযোগিতা করা হবে। 24 তারিখ দিন গান্ধীঘাট নিকটে পথপ্রান্ত নাটক নাগামেঢ গোটিপু নৃত্য দস্তখত সংগ্রহ অভিযান আয়োজন করা সহ সড়ক সুরক্ষা নিয়ম পালন করুথিবা ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হবে। দিগবারিণী ছকরু স্বর্গদ্বার পর্যন্ত 20টি সড়ক সুরক্ষা কিওস্ক প্রদর্শন পাই স্থির করা যাইছে। ট্রাফিক আইন উল্লঙ্ঘন করুথিবা মদ্যপান করি গাড়ি চলাউথিবা বিনা হেলমেটরে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নথাই গাড়ি চলাউথিবা ব্যক্তিক ঠারু জরিমানা আদায় করা যাবে। এথিপাই স্বতন্ত্র স্কোয়াড গঠন করা যাইছে। উপজেলাপাল ভবতারণ সাহু জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থা প্রকল্প নির্দেশক নীতিরঞ্জন সেন আঞ্চলিক পরিবহন অধিকারী সমীর কুমার দলেই এইচআরপিসি ডিএসপি মনব্রতা শতপথী জেলা শিক্ষা অধিকারী নিরঞ্জন সাহু সহকারী মোটরযান নিরীক্ষক বামদেব সাহু ট্রাফিক সব ইন্সপেক্টর সুশান্ত কুমার পাত্র বৈঠকরে উপস্থিত থিলে। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ପୁରୀ ରାଜଭବନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଭବନ ଆଧୁନିକୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 2,90,00,000 ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମେହେର୍ଦ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ କେ ବିଶାଲ ସିଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭବତାରଣ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ
सहायक निर्वाही जंत्री श्री घनश्याम पंडा उपस्थित थिले। ऐसे में अपना पुरी का राज भ्रमण फनी के समय में, क्योंकि लैंडफॉल इधर ही था, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव अपने इस राज भ्रमण पर हुआ। कलेक्टर साहब का भी रेजिडेंस था, एसपी साहब का भी रेजिडेंस था, जितने इलेक्ट्रिक पोल्स थे, जितने रेजिडेंसीज थे, उस तबाही को हमने अपनी आँखों से देखा है। पर हम उसके बाद तुरंत नेक्स्ट डे यहाँ पर आए भी थे और राजभवन को देखा था। शीशे टूटे हुए हैं, कमरों में पानी तक है, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है और यहाँ के लोगों को भी उसको सामना करना पड़ा था। लेकिन आज सौभाग्य से उत्कल प्रदेश की सरकार ने बहुत तेज़ी से अपना काम करना प्रारंभ किया और इस समय कृष्ण कुमार जी गत जो एक माननीय मुख्यमंत्री के सखा कहिए, मित्र कहिए, उनके नीचे काम करने वाला कहिए, कुछ भी कहिए, आज उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि इस पुरी को एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर डिज़ाइन किया जाए, बनाया जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इस पुरी की चिंता नहीं करते। जैसे अभी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि इंटरनेशनल प्रकार के एयरपोर्ट बनने चाहिए, वो एयरपोर्ट भी बनेगा और भी कुछ बनेगी, राजभवन भी ठीक होने जा रहा है। तो आज आपके सबके दर्शन कर और आज इसका प्रथम चरण जिसको आप कह सकते हैं कि प्रिजर्वेशन करने के लिए, रीट्रॉफिकिंग करने के लिए ये उपक्रम प्रारंभ हो गया है, ढांचा भी खड़ा हो गया है, कुछ उसमें फर्निशिंग का काम है। तो मुझे लगता है इस रथ यात्रा से पहले पहले आप सबके दर्शन करने का और इस राजभवन को फिर से देखने का, क्योंकि दुनिया के लोग अब पुरी में आएंगे, बहुत VVIPs भी लोग आएंगे, सभी तरह के जितने भी देशों के प्रमुख लोग हैं जिनको हेड्स ऑफ द स्टेट्स कह सकते हैं, या अब हेड्स ऑफ द स्टेट्स नहीं रहे लेकिन कभी हेड्स ऑफ द स्टेट्स थे, ऐसे अपने देश के भी अनेक लोग। ऐसा मुझे लगता है कि भुवनेश्वर के एयरपोर्ट्स की बजाय पुरी के एयरपोर्ट पर उतरना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, और इसलिए क्योंकि उनका सबसे बड़ा आकर्षण तो प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करना ही रहता है, इसलिए पुरी के एयरपोर्ट पर उतरा करें। तो इसलिए पुरी को बहुत सुंदर से बनाना और इंटरनेशनल सिटी से भी बढ़िया सिटी बनाना, क्या न्यूयॉर्क करेगा, क्या टोक्यो करेगा, उन सबको पीछे छोड़कर ऐसा अपना पुरी का, ये मुझे लगता है ऐसा इसका डेवलप होगा और इस प्रकार के बनेगा, उसका मुझे लगता है प्रथम चरण जहाँ तक राजभवन का संबंध है वो शुरू हो गया है। कोरोना महामारी प्रभाव पिलां उपरे पड़ी, तेणु पिलां सह जोड़ी हेबा उद्देश्य रे ओडिशा राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग पक्षरु आसंता 20 तारीख रे शिशु संपर्क यात्रा शुभारंभ हेबो। एथिरे आयोग अध्यक्षा सुश्री संध्यावती प्रधान अध्यक्षता करिवे एवं जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी जोग देवार कार्यक्रम रही। विशेषकर अवहेलित एवं अपहंच शिशु विकास निमन्ते सचेतनता सृष्टि एही कार्यक्रम लक्ष्य रही। एथिसह आयोग पक्षरु शिशु सुरक्षा को नै जिलास्तरीय समीक्षा बैठक हेबो। यहाँ पर आयोग पक्ष पुरी में बासहीन शिशु स्थिति संपर्क में जानवाई रात्र परिदर्शन आसंता 21 डेलांग 22 कणास और पिपिली ब्लॉक परिदर्शन कर विभिन्न अधिकारी शिशु सुरक्षा संपर्क में आलोचना ए संक्रांतीय आपत्ति अभियोग गुड़िकर शुणी करेंगे। विभिन्न थाना या शिशु सहायता केन्द्र और अंगनवाड़ी केन्द्र बुली देखिए। विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ कर शिशु को पुरस्कृत करने निम्ते स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन छात्र छात्री को पाठ्योपकरण दिया। पिपिली ब्लॉक रे छतुआ प्रस्तुति केन्द्र बुली देखिबे। एथिलागि जिलापाल समर्थ वर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे संप्रक्त वीडियो को सह कथाबार्ता करी आवश्यक निर्देश दैछन्ती। एही अवसर रे अतिरिक्त जिलापाल प्रदीप कुमार साहू, जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी, पर्यटन अधिकारी सरोज कुमार प्रधान प्रमुख उपस्थित थिले। जिला ई गवर्नेंस मैनेजर पीयूष चक्रवर्ती कार्यक्रम परिचालना करथिले।
ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଛୋଟ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ଆମ ଖବର ଜାରି ରହିବ। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ, ମୟୂର ଓ ଅରବିନ୍ଦ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶନିବାର ପୁରୀ ସେବା ସମିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପ୍ରମୁଖ ସିଲ୍ ଶର୍ମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସଂଘ ପ୍ରଚାରକ ସରସ କୁମାର ମିତ୍ର ସେଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପରିବାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସହ ସଂଘର୍ଷ ବାହିନୀ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦେ ଶଙ୍କରଜୀ, ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତରାଇ, ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶ ବିକାଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସଚିନନ୍ଦନ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ପ୍ରମୁଖ ଭବାନୀ ମିଶ୍ର, ନଗର ମହିଳା ପ୍ରମୁଖ ସବିତା ବିଶୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସହ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଘଟଣାରେ ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି କନୱର ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରୁ ସଦର ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଅତୋଷୀ ଜେନା 14,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ। ସେ କଥା ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ଏସ୍ପି ଜାଣିବା ପରେ ସଦର ଥାନା ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। सदर थाना रा घटना जो अच्छी सदर थाना रे जो घटना घटी छी सेठी हमरा लेडी सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हेचंती। से घटना अच्छी अक्टूबर लास्ट ईयर अक्टूबर मास रा से हमको जोते बेले हमरा नोटिस को आनला हमें इट वाज इंक्वायर्ड इनटू एसडीपीओ इंक्वायरी करले एंड से घटना भी ट्रू बाहरला तो तारा इमीडिएटली डिपार्टमेंटल एक्शन अधीन ताको सस्पेंड करा हिच। गोटे गैम्बलिंग रेड रे जाइथिले, गैम्बलिंग रेड परे जो जो प्रोटोकॉल फॉलो होबा कथा, जो जो लीगल प्रोसीजर फॉलो होबा कथा बेटी अवेलना हिच and as per zero tolerance hamra she has been suspended। ଲୋକନାଥ ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମା ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗରେ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାସଳିସାହି ଥାନା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପପୁ ଦାସଙ୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ ଉପରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମା ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପପୁ ଦାସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବାସଳିସାହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ବୁଲୁ ଦାସ, ସୁମନ୍ତ ମହାରଣା, ନାରାୟଣ ଭୋଇ ଓ ପପୁ ଭୋଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ, କଟୁରୀ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରି 341, 323, 307, 34 ଆଇପିସି ଧାରା ସହ କେସ୍ ନମ୍ବର 7/21 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବମ୍ବିଂ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ବାସଳିସାହିରେ 3 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ପର୍ଦାପୁରା ପର୍ଦାଫାସ ହେଇଛି, 7 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦାଦା ବଟି ରିଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ ଆମେ ଏବେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ 7 ଜଣ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ 3 ଜଣ ଅର୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଅର୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ସପ୍ ଯେଉଁ ସପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଦୋନୋ ଦୋକାନ ସପ୍ ସିଲ୍ କରାହେଇଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ସପ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଅର୍ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ବି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛୁ କି ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କିଛି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ହୋଲି ଟାଉନ୍, ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ପୁରୀବାସୀ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ। ଅର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପୁରୀବାସୀକୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆମକୁ ଆସୁଛି, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି। ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ର, ଅର୍ ଆମେ
होपफुल अच्छु कि आमे ता उपरे सक्सेसफुल आमे हेची किछि आमे अगर करि पारु नहो तो आई एश्योर एवरीबॉडी कि हमरा बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हमरा एचआरपीसी टीम रे स्पेशली 8 जन लोको हमरा जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रीवांस जो अछि ता उपरे 8 पर्संस ऐसे डीपीओ रे हमरा डिप्लॉयड छंती और ताई परिणाम अछि कि हमरा इन्फॉर्मेशन फ्लो बढ़ी जाइ छी ता पई मु समस्त को धन्यवाद देउ छी। लांच नेवा अभियोग रे कृष्ण प्रसाद थाना एएसआई को गिरफ्त कराई छी। जणे व्यवसायी को ठारु कृष्ण प्रसाद थाना एएसआई 7000 टका लांच नेवा अभियोग होइतिला। अभियोग को भित्ति करी एसपी कर्नल विशाल सिंह कृष्ण प्रसाद थाना एएसआई गुमान सिंह को चाकरी रु निलंबित करबा सह गिरफ करचंती। हमरा कृष्ण प्रसाद रा एएसआई छंती ईश्वर चंद्र गुमान सिंह से तक सस्पेंड हि चंती और गिरफ करा जाई छी। से इनवॉल्व थिले हमरा 7000 रुपीस अपन कहिबे एक्सटॉर्शन टाइप रे हमरा जीरो टॉलरेंस टू करप्शन एंड 5T पॉलिसी अच्छी देर विल बी एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस टू एनी करप्शन ता अधीन ताको सस्पेंड करा हि छी एंड एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड एंड ही ताकर गिरफ्त करा हि छी। गोटे फूड स्टॉल थिला देर वाज इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हमको जेंती पब्लिक को हमें धन्यवाद दउ छु इन्फॉर्मेशन रिसीव हला के एमती घटना हि छी सांगे सांगे तारा तदंत करा हला एसडीपीओ इंक्वायरी करले एसडीपीओ रा रिपोर्ट परे जते बेले हमें पाइले के मैटर इज ट्रू इन कंप्लायंस टू जीरो टॉलरेंस एंड 5T इमीडिएट डिपार्टमेंटल एक्शन हैज बीन टेकन क्रिमिनल एक्शन हैज बीन टेकन। चोरी और दादाबटी मागिबा अभियोग रे चंदनपुर थाना पुलिस कृष्ण प्रसाद रो 3 जण अभियुक्त को गिरफ करिछि। पुलिस सूत्ररु प्रकाश जे श्रीकांत स्वाई मेघनाथ प्रधान और आनंद स्वाई विभिन्न जगह रे चोरी और दादाबटी करिबा पुलिस निकट रे अभियोग होइथिला। एही अभियोग को भित्ति करी चंदनपुर थाना पुलिस अभियुक्त मानंकु केस नंबर 18/21, 19/21, 25/21 रे गिरफ करी कोर्ट चलन करछि। चंदनपुर रे हमरा नुआ आईआईसी जॉइन करछंती तो भल डिटेक्शन होती जो चेन स्नैचिंग हमारा 3-4 इनसीडेंट होता तीनटा चेन स्नैचर गोटे गैंग रे चेन स्नैचर धरा होती और दादाबटी मैटर जो पब्लिक माध्यम रु हमें पाखे आसला से अपन मानों को भी धन्यवाद देउची अपन माध्यम रे हमें पाखे जो मेसेज आसला इनफर्मेशन तारा प्राइम एक्यूज धरा होती फर्दर लोकों को धरवाप चेष्टा चली चंदनपुर में 4 जन गिरफ्त होती। सर्वसाधारण रे बेन भाबे गंजेई सेवन करूथिबा अभियोग ने कुंभारपडा थाना पुलिस 5 जण अभियुक्त को गिरफ करिछि। घटना सूत्र प्रकाश छे नरेंद्रकोण निकट रे 53 वर्षीय ललित बेहरा रंजित बेहरा अजित बेहरा अन्नपूर्णा ओ कान्हा बेहरा सर्वसाधारण रे निशा सेवन करथिले। एनी अभियोग हेबा परे कुंभारपडा आईआईसी विचित्रानंदको परामर्श क्रमे एक टीम जाय अभियुक्त को 341 342 294 323 332 ओ 395 आईपीसी धारा रे गिरफ करी कोर्ट चलन करछि। समुद्र रे स्नान करथुवा समय रे उच्च जुवार माडरे 2 जण पर्यटक गुरुतर। ঘটনা সূত্রর প্রকাশ যে ওয়েস্ট বেঙ্গলর ববলি দত্ত ও মধ্যপ্রদেশর 60 বর্ষীয় ভগবত ভাই পুরী বুলিবাকু আসি সমুদ্রে স্নান করুথবা সময়রে উচ্চ জুয়ার মাড়রে গুরুতর হইতিলে। গুরুতর অবস্থায় লাইফ গার্ড তাঙ্কু উদ্ধার করি চিকিৎসা নিমন্তে সদর মুখ্য চিকিৎসালয়কু পঠাইছন্তি। ঘর কলহকু নেই জনে ব্যক্তি নিজ ঘরে বিষপি আত্মহত্যা করছন্তি। ঘটনা সূত্রর প্রকাশ যে সমুদ্রকূল থানা অন্তর্গত পেঁঠকটা বেহেরা সাই স্থিত 55 বর্ষীয় বিশ্বনাথ বেহেরা গত কিছুদিন ধরে ঘর কলহকু নেই মানসিক স্থিতি হরাই বসিবা সহ শুক্রবার রাতে বিষপি মৃত্যুবরণ করে। খবর পাই সমুদ্রকূল থানা পুলিশ পৌঁছি শবকু জবত করে কেস নম্বর 51/21 রে অপমৃত্যু মামলা রুজু করে শব ব্যবচ্ছেদ নিমন্তে সদর মুখ্য চিকিৎসালয়কু পঠাইছেন। বাসাড়িসাই থানা অন্তর্গত দামোদর রোড উদয়নগর 40 বর্ষ চকরা দাস নিজ ঘরে রসি লগাই আত্মহত্যা করিথিবা জানা পড়িছি। খবর পাই পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করিছি। তবে খবর নেবারে জানা পড়িছি যে কটক জেলা বাঙ্কি অঞ্চলর চকরা গত 1 মাস হেব তলনুয়া সাহিরে ঘর করি রহুতিলে। তাঙ্ক পরিবার সদস্য মানে সমুদ্রকূল বুলিবাকু যাইথিবা বেলে চকরা সিড়ি ঘর নিকটরে রসি লগাই আত্মহত্যা করছন্তি। এনেই বাসাড়িসাই থানা পুলিশ খবর পাই চকরাঙ্ক শবকু জবত করি কেস নম্বর 7/21 এক অপমৃত্যু মামলা রুজু করে শব ব্যবচ্ছেদ নিমন্তে সদর মুখ্য চিকিৎসালয়কু পঠাইছন্তি।
ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଶନିବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ତିନୋଟି ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ପଘରା ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ପ୍ରାୟ 4:30 ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରମେଶ ପାଣ୍ଡିଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତ୍ରିନାଥ ପାଣ୍ଡି ଓ ବିଜୟ ପାଣ୍ଡିଙ୍କ ଘରକୁ ନିଆଁ ଧରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ରମେଶ ଓ ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ଦୁଇ ବଖରା ଲେଖାଏଁ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବାବନ ପରିଡ଼ା ଓ ମଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ମନୋଜ କୁମାର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ 5:40 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପିଟାଯାଇଥିଲା। 6:25 ଭିତରସଦ ହୋଇ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥିଲା। 6:40 6:45 ମଇଲମ କରାଯାଇ ତଡ଼ପ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। 7:10 8:00 ଅବକାଶ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ 8:05 ମଇଲମ ହୋଇଥିଲା। 8:45 ରୋଷହୋମ କରାଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ହୋଇଥିଲା। 9:10 9:15 ବେଶ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 9:30 ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହୋଇ ଗୋପାଳବଲ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। 11:30 ସକାଳ ଧୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୀତିନୀତି ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ 1,37,813 ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଉପରେ। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ରବିବାର ପୁରୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ କୁହୁଡ଼ିଆ ରହିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 27.0°C ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 18.0°C ରହିଥିଲା। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଦ୍ରତା 77 ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଜାନୁଆରୀ 21 ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ବୈଠକ। ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ରାଜଭବନର ହେବ ଆଧୁନିକୀକରଣ। ରବିବାର ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ନିଲମ୍ବିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟ ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆଇନା ଟିଭି ମାର୍ଫତ ମିଡିଆ ହାଉସ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438579173 ଏବଂ 9861472722।